विद्यानगर पुलिस ने दंपति को 30.5 ग्राम स्मैक एवं 19 लाख रुपए से ज्यादा नकदी रकम के साथ किया गिरफ्तार। यहां सिंगरौली से बड़ी खबर, पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज विंध्यनगर थाना प्रभारी यूपी सिंह को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब दंपति को स्मैक एवं नकदी रकम के साथ पकड़ा गया। मिली जानकारी के अनुसार विंध्यनगर थाना प्रभारी यूपी सिंह को कई दिनों से यह जानकारी प्राप्त हो रही थी कि गहिलगढ़ एवं नवजीवन विहार सेक्टर नंबर 3 निवासी महिला फूलमती शाह एवं उसका पति रतिलाल शाह स्मैक की बिक्री कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा जाल बिछाया गया, लेकिन महिला इतनी शातिर थी कि कभी गहिलगढ़ एवं कभी सेक्टर नंबर 3 में आ जाकर स्मैक बिक्री किया करती थी। साथ ही वह किसी भी समय अपने दरवाजे को नहीं खोलती थी, मात्र ग्राहकों की आवाज पर खिड़की के पास आकर स्मैक देकर दोबारा उस खिड़की को बंद कर लिया करती थी। वह महिला इतनी शातिर थी कि अपने घरों के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। जैसे ही पुलिस दबिश देने का प्रयास करती, वह अंदर से ही कैमरे में देख लेती थी। थाना प्रभारी को कई दिनों से यह सूचना लगातार मिल रही थी। दिनांक 3 सितंबर को विंध्यनगर थाना प्रभारी यूपी सिंह को दोबारा मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली कि सेक्टर नंबर 3 में अपने घर में अंदर से स्मैक दे रही है। महिला का पति रतिलाल पीछे के दरवाजे से निकलकर भागने की फिराक में था, तभी जिस समय पुलिस द्वारा महिला की तलाशी ली जा रही थी, महिला का पति रतिलाल पीछे के दरवाजे से निकलकर भागने का प्रयास करने लगा। फूलमती ने स्मैक की बिक्री से इकट्ठा किया लाखों रुपए। बता दें कि आरोपिया फूलमती से स्मैक की बिक्री से प्राप्त रकम 18,81,420 रुपए जब्त किए गए हैं। इस प्रकार आरोपीगढ़ से कुल 30.5 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 15,50,000 रुपए है और नकदी रकम 19,614 रुपए जब्त किए गए हैं। बता दें कि पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध इस तरह के सघन अभियान लगातार जारी रहेंगे, तो वहीं थाना प्रभारी यूपी सिंह द्वारा ये बताया गया है कि नशे के विरुद्ध इस तरह का सघन अभियान हमारे द्वारा लगातार जारी रहेगा। फूलमती शाह नशे के क्षेत्र की पुरानी खिलाड़ी है। उपरोक्त कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक देवेश कुमार पाठक के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी यूपी सिंह के साथ अतिरिक्त उन्हीं शीतला यादव, शिव कुमार दुबे, सरोज शुक्ला, सोनी, नृपेंद्र सिंह, सुनील दुबे, बब्बन सिंह, प्रआर, नितिन गौतम, मुनेन्द्र राणा, भगवान सिंह, प्रजापति, ब्रजेश सिंह, कृष्ण कुमार पांडे, संदीप सिंह बघेल, सरोज परस्ती, आर प्रकाश डोडवे, आरक्षक रमेश यादव आदि का योगदान सराहनीय रहा। सिंगरौली से लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए विपिन सिंह की रिपोर्ट। दिनों पुलिस अधीक्षक महोदय सिंगरौली द्वारा सिंगरौली शहर में और सिंगरौली जिले में नशे की बढ़ रही, नशीले पदार्थों की बढ़ रही खपत और इसके लत में आ रहे लोगों को निजात दिलाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसमें नशा विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, जिन पर लगातार नज़र रखी जा रही है। इसी तारतम्य में विंध्यनगर थाना प्रभारी यूपी सिंह के नेतृत्व में थाना विंध्यनगर की पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्यवाही आज की गई है, जिसमें नवजीवन विहार सेक्टर नंबर 3 के रतिलाल शाह और उसकी पत्नी फूलमती शाह को पकड़ा गया है। इन दोनों के कब्जे से मिलाकर 30 ग्राम हीरोइन ये स्मैक जब्त की गई है और इनके पास से कब्जे से नकदी रकम 19,614 रुपए की जब्ती की गई है। अभी कार्यवाही लगातार चल रही है और पूछताछ की जा रही है। सर, पुलिस को सूचना कैसे मिली? पुलिस को कई दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि रतिलाल शाह अपने जो ऑटो चलाता है, अपने ऑटो में घूम फिर कर इधर उधर पुड़िया बेचता है। इसी तरह से उसकी पत्नी नवजीवन विहार और विंध्यनगर क्षेत्र का जो गहिलगढ़ वाला इलाका है और उसके आसपास इलाके में बैढ़न में यहाँ सब जगह घूम करके या अपने घर से जो नशा लेने वाले लोग हैं वो सब घर जानते हैं, तो अपने घर से भी बेचा करती थी और इसकी सूचना मिल रही थी, परंतु उसका घर लगातार बंद रहता था। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी।